रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी, ये है रेडियो सिटी। हर हफ्ते एक किताब उठा के लाती हूँ अपनी लाइब्रेरी से और उसे डिस्कस करती हूँ इन ग्रेट डिटेल। तो इस हफ्ते जो किताब मैं लेकर आई हूँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इट्स बीन रिटन बाय हनीफ कुरैशी, हु इज अ वेरी फेमस ऑथर, और इस किताब का नाम है द बॉडी। मुझे हमेशा लगता है कि किताबें आपके पास एक वक्त पे आती हैं जब आपको उसको पढ़ने की जरूरत होती है। इट्स द मोस्ट साइकोटिक बुक आई हैव रेड एंड आई डोंट नो व्हाई आई नीडेड टू रीड इट, बट ओ माय गॉड, इट ब्लू माय माइंड। इस किताब की सबसे फैंटास्टिक बात यह है कि शॉर्ट स्टोरीज आप कहानी पढ़ते हो और उसके बाद आप उसकी जो थीम थी उसके बारे में सोचते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज शाम को मैं आपसे ये पूछूं, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, आई डोंट नो कि आप आदमी हैं या औरत है, आई डोंट नो कि आप जिंदगी के किस पड़ाव पे हैं, पर अगर रैंडमली आपसे कोई ये बोले कि यू कैन चेंज योर बॉडी, ये नहीं कि आप मोटे से पतले हो जाओ, पतले से मोटे हो जाओ, यू कैन चेंज योर फिजिकल बॉडी कंप्लीटली एंड गेट इनटू अनदर बॉडी, तो आप क्या करोगे? विल यू बी टेम्प्टेड? सपोज आप 70 साल के हो और आपको चॉइस मिले कि आप एक 20 साल के इंसान की बॉडी में चले जाओ। सपोज आप 40 साल के हो और आपको चॉइस मिले कि आप एक 15 साल की बॉडी में घुस जाओ। सपोज आप एक आदमी हो और आपको चॉइस मिले कि आप एक औरत की बॉडी में घुस जाओ या वाइस वर्सा। वुड यू टेक दैट चांस? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस बुक कॉल्ड द बॉडी। तो पहली कहानी यही है, The Body. The first story is called The Body. It's about this guy called Adam. Adam approximately 70-75 साल के हैं। Adam बहुत बूढ़े हो चुके हैं। Adam एक दिन एक पार्टी में जाते हैं और एक 20-22 साल का आदमी उसके सामने आता है और कहता है, हे Adam, मैंने तेरी सारी किताबें, तेरे सारे प्लेस पढ़े। Now Adam is very famous. Adam की किताबें अब कोर्स मटेरियल हो चुकी हैं, पर Adam को लगता है 20 साल के आदमी ने क्या पढ़ा होगा मेरे बारे में, तो कहता है चल हट। वो आदमी कहता है नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा है जो तू लिखा है। एडम उसकी शक्ल देख के कहता है, बेटा मैंने लिखना बंद कर दिया था जो तुम्हारी उम्र है उतने साल पहले। सो द मैन सेज, एडम एक्चुअली मैं 60 साल का हूँ। एडम बिल्कुल चकित रह जाता है कि तू 60 साल का तो हो ही नहीं सकते, तू तो 20 साल का है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। कल मुझे कॉफी के लिए मिल। एडम अगले दिन जाता है कॉफी के लिए और वो आदमी उसे बताता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जहाँ पर एक इंसान का ब्रेन दूसरे इंसान की बॉडी में फिट हुआ जा सकता है। यानी कि जितने लोग जिनकी जिंदगी जा चुकी है, उनकी कैडेवर्स या उनकी बॉडीज रखी गई हैं संभाल के, आप चूज कर सकते हो। जैसे हम कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, आप बॉडी शॉपिंग कर सकते हो और एक बॉडी चूज कर सकते हो, एंड यू कैन स्टे इन इट टेम्परली और परमानेंटली। एडम बड़ा सोचता है, करूँ नहीं करूँ, टेम्प्ट हो जाता है। 25 साल के बहुत गुड लुकिंग आदमी की बॉडी में घुस जाता है और फिर एडम की जिंदगी रीस्टार्ट होती है। एडम जो 70 साल का था, who couldn't even stand and properly pee, is now amazed at how many people want to sleep with him, at how many things he can do with his body. कि जब वो एक कमरे में घुसता है तो औरतें और मर्द उसे कैसे देखते हैं। एडम की जिंदगी बदल जाती है। पहले 3 महीने बहुत मजा आता है, and then धीरे 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 he starts missing his old life. He goes to see his wife, जो उसे बिल्कुल नहीं पहचानती क्योंकि अब तो वो 22-25 साल का हो चुका है। वो उससे बातें करता है, उसका बड़ा मन करता है कि मैं इसके पास वापस चली जाऊँ। आगे क्या क्या होता है एडम की लाइफ में, इसके लिए यू नीड टू रीड द बॉडी। आई थिंक इस किताब की 3री या 4थी कहानी है, विच वॉज कॉल्ड फेस टू फेस विद यू। फेस टू फेस विद यू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन स्टोरी। एन और एड एक साथ रहते हैं घर के अंदर, दे हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। वो एक दिन बैठे हुए होते हैं अपने घर के अंदर और वो देखते हैं कि एक मूवर्स वैन आई है। जैसे हमारे घर में कोई आसपास शिफ्ट करता है तो एक बड़ा सा ट्रक आता है, वैसे एक बड़ा ट्रक आया है। तो वो बैठ जाते हैं अपनी खिड़की के सामने देखने के लिए कि कौन है हमारे नए नेबर्स, इनके बारे में बात करते हैं, आओ बहन चुगली करें, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब वो बैठे हुए हैं तो सडनली उनका सामान निकल रहा है। तो एन बोल रही है, ओ माय गॉड, इस लड़की का टेस्ट तो बिल्कुल मेरे जैसा है, देखो ये कितना सुंदर कार्पेट, देखो ये कैसा कैसा सूटकेस, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, लव हर ऑलरेडी। ठीक है, एन के साथ उसका बॉयफ्रेंड एड बैठा होता है और एड कहता है, यार ये आदमी बिल्कुल मेरे जैसा है, देख बुकशेल्व्स, देख इसका बार, देख एवरीथिंग इज जस्ट लाइक मी, दे आर अमेजिंग, दीस विल बी फैंटास्टिक पीपल। उनको वो लोग दिखाई नहीं देते जो शिफ्ट कर रहे हैं, उनको बस उनका सामान दिखाई दे रहा है। ठीक है, सामान शिफ्ट हो जाता है। वो दोनों सोच रहे हैं कि कब जाएं उनके घर उनको हेलो बोलने के लिए, तो उनके घर के ऊपर उन्होंने शिफ्ट किया होता है। अच्छा, तो आपसे एक बात पूछती हूँ, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्टोरी फॉर अ सेकंड. आपने कभी नोटिस करा है कि अगर दो जने चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक इंसान जैसे चल रहा होता है दूसरा इंसान भी वैसे ही चलने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका राइट पैर पहले है तो आपका भी राइट पैर पहले हो जाता है. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट वी डू. इन दोनों के साथ भी यही होता है, एन और एड के साथ. धीरे धीरे ना जो ऊपर के घर से आवाजें आ रही होती है ना, उसी हिसाब से वो अपनी लाइफ एडजस्ट करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब उनका टीवी चल रहा होता है तो उनका भी टीवी चल रहा होता है, जब वो म्यूजिक चलाते हैं तो ये भी म्यूजिक चलाते हैं, जब वो लाइट ऑफ कर देते हैं तो ये लाइट ऑफ कर देते हैं. टू एन एक्सटेंट दैट व्हेन द ऊपर वाला कपल आर मेकिंग आउट, ये भी उसी टाइम मेक आउट कर रहे होते हैं, बिकॉज समवेयर और द अदर देयर रिदम हैज गॉटन अटैच्ड. ठीक है, ऐसा हो सकता है. इतने में खैर एन और एड उनसे मिलने जाते हैं, और जब वो कपल से मिलते हैं तो कपल का नाम भी एन एंड एड होता है, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू देम. यानी वो बैठते हैं, बातें करते हैं, डिनर करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और फिर बिस्तर में बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे आप और मैं करते हैं कि ओ माई गॉड, वॉट डिड यू थिंक ऑफ देम, कैसे अपनी बीवी को ट्रीट कर रहा था, आई डोंट लाइक द वे ही ट्रीट्स हर, मुझे लगता है वो लड़की ना थोड़ी इनसिक्योर है, हाय उन्होंने अपने घर को कैसे रखा हुआ था, आई डोंट थिंक दे आर परफेक्ट, ना 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 na 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 na. All of this is going on. But actually, इस कहानी को, I wish I could explain this better, पर इस कहानी को ऐसे मॉड्यूलेट किया गया है कि 4 पेज बाद आप रियलाइज करते हैं कि एन और एड के नेबर्स एन और एड खुद हैं. और इस कहानी की एक सिंपल थीम है, अगर आप कल सड़क पे चल रहे हैं और आप अपने आप से मिले, नॉट इन like you actually see a physical person who's exactly looks like you, who's exactly like you, क्या आप उससे दोस्ती करेंगे? अगर कल मैं गिनी से मिलती हूँ, the way she is, the way I am, क्या मैं उससे दोस्ती करना चाहूँगी? Because हमें सब लोग बड़े क्लियरली दिखाई देते हैं जिंदगी में, पर हम अपने आप को कभी इतने क्लियरली नहीं देखते. हमें लगता है कि हम एक तरीके के हैं, पर more often than not हम वैसे होते नहीं हैं, है ना? Would you be friends if you met yourself on the road? I told you, this book has been a crazy ride. This was the story. Would you? क्या आप अपने आप से दोस्ती करते? Write into me and tell me. RJ Ginnie, ginnie@gmail.com. This book calls out for conversations. I need you to call me or to write to me. ठीक आचे. See you on email. I really enjoyed talking about stories today. मैं हर एक स्टोरी पे इस किताब की, जिसका नाम है The Body, लिखी है हानिफ कुरैशी पे, इसके ऊपर 4-4 घंटे के डिस्कशन वाले शोज कर सकती हूँ. लिटरली क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, क्वेश्चंस अबाउट आवरसेल्व्स, क्वेश्चंस अबाउट नॉर्मल लाइफ जो ये किताबें पूछती है. इट इज अमेजिंग. हानिफ कुरैशी की राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है. बहुत छोटे सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं, कोई बहुत लंबे फ्लावरी सेंटेंसेस नहीं है, बहुत सिंपल है, पर ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप अपने आप से जूझते रह जाते हैं. जैसे मैंने जब इसकी फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, द बॉडी, फॉर द नेक्स्ट 3 days आई डिस्कस्ड इट विद एवरीबडी इन ऑफिस. इफ यू वर गिवन अ चॉइस, क्या आप अपनी बॉडी बदल लेंगे? Would you become a man? Would you become a woman? Would you become younger? Would you become taller? Would you become fairer? Would you become shorter? अगर आपके पास चॉइस होती एक बॉडी चूज करने की, ये मेरी बॉडी और यही मेरा दिमाग जो भी मेरे पास है, क्या आप ये करते? और जब आप उस बॉडी में घुस जाते हैं तो आप रहते हैं या वो बॉडी बन जाते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप अपने आप से मिले, क्या आप अपने आप से दोस्ती करना चाहेंगे? बिकॉज आपको तो अपनी सारी गंदी चीजें पता है, आपको पता है कि अंदर से आप कैसे हैं. क्या ये जानते हुए आप उस इंसान से दोस्ती करेंगे जो एग्जैक्टली आप जैसा है? बहुत सारे सवाल. मुझे ऐसी किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं जो आपके दिमाग में इतने सवाल डाल देते हैं कि अगले 20 दिन तक या आप हर कॉन्वर्सेशन में इस किताब की बात करते हो या उन सवालों की. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज माय रेफरेंस फॉर दिस वीक. गो पिक अप दिस बुक. आई डोंट नो हाउ दिस बुक केम टू मी. ऑनेस्ट टू गॉड, मैंने नहीं खरीदी, मेरे डेस्क पे पड़ी हुई थी, कहाँ से आई, क्यों आई, मुझे नहीं पता. जेन्युइनली मिस्ट्री है, पर आई हैव रियली एंजॉयड रीडिंग इट. इफ यू हैव अ बुक दैट यू रियली एंजॉयड रीडिंग, आई वांट टू हियर अबाउट इट. मेरा ईमेल है rjginnie ginnie@gmail.com. प्लीज मुझे लिखिए और मुझे बताइए, सो आई कैन ब्रिंग इन योर बुक्स ऑन दिस शो, बिकॉज आफ्टर ऑल अ बुक शो शुड बी अबाउट बोथ ऑफ अस. ये है गिनी की लाइब्रेरी. मेरा नाम गिनी, आरजे गिनी ginnie@gmail.com. आई विल बी वेटिंग, या @rjginnie, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक.